हमारे अगले डांसिंग स्टार की एक खास स्टाइल है, वो जब भी ये स्टाइल करते हैं खुशियां बांटते हैं। लेकिन यही बात पिछले हफ्ते विवाद का कारण बन गई कि ये स्टाइल वो कब तक करेंगे। वैसे इस बार उन्होंने वादा किया है कि किसी और डांस स्टाइल से आज वो खुशियां फैलाएंगे। तो पेश है गीता की गैंग से धर्मेश सर। ऑल द बेस्ट धर्मेश सर, गणपति बप्पा। हे गणपति बप्पा, इस साल भी पैसों की कमी की वजह से मैं आपकी स्थापना अपने घर पर नहीं कर पाऊंगा। क्या इस भक्त की मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी? धर्मेश सर, सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत टेंशन है कि आपको लगी तो नहीं। एक्चुअली दिखता है उतना है नहीं। मतलब इसमें मैंने थोड़ा मैंने किए डांस आगे इससे, तो प्लीज़ ये कोई घर पे ट्राई मत कीजिए, क्योंकि इसकी टेक्निक्स होती है और लगा है, बट बहुत थोड़ा लगा है। मास्टर रेमो, आपको कैसा लगा? गणपति बापा के ऊपर न सॉन्ग न कॉन्सेप्ट, ये कुछ भी खराब हो ही नहीं सकता था, और उस पर आपने डांस किया, सो इट वॉज ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड एक्ट धर्मेश, वेल ट्राइड। एंड आपने कहा था कि पिछली बार आऊँगा तो कुछ नया करूँगा, तो ये नया करने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड आई लव द एक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट धर्मेश। धर्मेश, आपका जो जिस तरह से आपने डांस किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था आज आपका, अलग था फ्रॉम व्हाट यू जनरली डू। झांझ जो बोलते हैं, ओके, उसके साथ भी आपने डांस किया, बहुत ही अच्छा किया आपने। फिर आप हाइड्रोलिक सेक्शन पे गए, तो वहाँ पर आपने एक बहुत अच्छा डांस सेक्शन किया था, छोटा वाला, लेकिन एक स्टेप है वो टिपिकल यू नो क्लासिकल स्टेप, वहाँ पे थोड़ा वो मुझे बराबर नहीं लगा। मे बी क्योंकि आपको इमीजिएटली ये सेक्शन पहना था,
सो दैट टाइमिंग की वजह से आपने वो एकदम छोटा कर लिया, पूरा नहीं किया. बट अगेन व्हेन यू केम हियर यू डिड योर फॉर्म इज वेरी करेक्टली एंड वेरी गुड. सो आई थिंक आज आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा धर्मेश. थैंक यू सर. सो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट. वेरी वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस धर्मेश. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. क्या बात है. थैंक यू मास्टर टेरेंस. मास्टर गीता, इन्होंने वादा किया था कि ये कुछ अलग करेंगे और अलग किया. आप खुश हैं इनके परफॉर्मेंस से? वादा इन्होंने कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ ये कैसे होगा. तो पहले दिन रिहर्सल पे यही हुआ, लेकिन उसके बाद जितनी मेहनत धर्मेश सर ने की है, आई थिंक ऐसा कोई काम नहीं है जो आप ठान ले और आप नहीं कर पाए. एंड टुडे धर्मेश सर, फिर से आपने मुझे, थैंक यू. एक ही बात कहूंगी धर्मेश, कि बहुत लोग आपसे प्यार करते हैं और उसका नतीजा आपका यहाँ पे हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट लगातार 2 हफ्तों से बन के रहना वही है. आप हम्बल हो, आप प्यारे हो, आप बहुत स्वीट हो और आप बहुत इनोसेंट हो. इसको बनाए रखना जी मैम, बस इसे यहाँ तक मत लेकर आना एंड एवरीथिंग विल बी फाइन. बाकी उनकी कृपा रहेगी और लोगों का प्यार रहेगा. सो आई लव यू फॉर व्हाट यू आर. थैंक यू. थैंक यू सो मच मास्टर्स. ग्रैंड मास्टर, आपको धर्मेश सर का परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये हटके करने गए भाई, बहुत हटके हो गए, ज्यादा ही हटके हो गया. ये पहली बात तो ये तोड़ना वोड़ना तो मुझे तो पसंद नहीं है. लगा तो नहीं? नहीं सर. श्योर? हाँ सर. मुझे इतना खास नहीं लगा. ऐसा लगा कि गणपति बाप्पा का नाम लेके चलो करते जाओ, कर लिया, चलो हम भी कर देते और क्या करें. थैंक यू सर. क्या बात, क्या बात, क्या बात. थैंक यू सर. आपने गीता माँ ने कुछ कहा, आपने सुना? जी मैम. जी सर. जी मैम. नहीं जी सर. ठीक है, चलो बच्चे. गीता माँ ने क्या कहा कि ये अपने सर पे नहीं जाने देना, कुछ भी हो सकता है. रोज फाइनल समझ के स्टेज पे उतरना, ये नहीं सोचना कि कल. कल इज अ वेरी डेंजरस थिंग, डू इट टुडे. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर. थैंक यू धर्मेश सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.